दोस्तों गिरी टू के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक 1 जो लेसन था अगर वो नहीं देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी उसके 100% वीडियोस बना दिए इसी चैनल के ऊपर। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट भी अपना कंप्लीट हो गया इसी चैनल के ऊपर और साथ में दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल पे बनाया। तो फटाफट अगर आप नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देखो और आज मेरे साथ आप नया लेसन स्टार्ट कर दो और रोज का रोज अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। अब दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि कुछ आपको फॉर्मुलेज याद करवा दूं और आपको स्टार्टिंग से ही पता होगा कि जितने भी फॉर्मुलेज आते हैं सभी को याद कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। बस आप लेक्चर को अच्छे से देखो सब कैसे ट्रिक वाइज याद कराना मैं करवा लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी तो कैसे आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे देखो ये साइन है फिर क्या लिखोगे दोस्तों कॉस फिर क्या लिखोगे दोस्तों कॉस फिर क्या लिखोगे दोस्तों साइन। यहाँ एंगल क्या है दोस्तों ए तो यहाँ पे क्या आएगा बी यहाँ पे भी क्या आएगा ए और यहाँ पे क्या आएगा बी और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। सेम ऐसे ही आप नीचे क्या लिखोगे दोस्तों साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। मैं दोस्तों इसे मेल और फीमेल कंसिडर करता हूं मेल एंड फीमेल देखो मेल फीमेल फीमेल मेल परफेक्ट। अब दोस्तों अगर जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी को कंसिडर करें तो जहां पे अगर कपल मेल और फीमेल हो तो सही बात है कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे प्लस है तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का प्लस आएगा यहाँ माइनस है माइनस का माइनस आएगा। अभी देखो मैं आपको फॉर्मुलेज और याद करवा दूंगा कॉस का फॉर्मूला। आप देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। अब दोस्तों कॉस में ऐसा नहीं होता कॉस में कैसा होता है पता है फीमेल फीमेल मेल मेल फीमेल में किसको बोल रहा हूं कॉस को बोल रहा हूं तो यहाँ पे क्या है कॉस कॉस फिर क्या आएगा मेल मेल। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट एंगल ए और दूसरा एंगल बी और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी दोस्तों बी। अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन देखो फीमेल फीमेल अगर कपल फीमेल फीमेल हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों या तो कपल अगर मेल मेल भी होंगे तो इंडियन सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है तो इसलिए यहाँ पे जो साइन है दोस्तों अगर ऐसा कहीं पे हुआ तो अगर यहाँ पे प्लस है तो उसका यहाँ पे कैसा उल्टा सिस्टम चल रहा है ना इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग मतलब अगेंस्ट में चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे साइन प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। इस तरह से आपको ट्रिक वाइज चीजों को याद रखोगे तो दोस्तों याद हो जाएगा अब कभी आप मिस्टेक नहीं करने वाले हो। अब सेम यहाँ पे भी वही आएगा दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। तो ये कंपाउंड एंगल के चारों फॉर्मुलेज आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए प्लीज वीडियो को रोक के पहले इसे याद कर लो एक सेकेंड एक और फॉर्मूला दे दो फिर रोको वीडियो को। अब दोस्तों साथ में आपको टेन का फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए टेन ए प्लस बी। अब देखो टेन के फॉर्मूले में फंडा बहुत इजी है अगर प्लस है तो देखो ये वाला सिस्टम तो हमेशा आएगा टेन ए टेन बी वन टेन ए इंटू टेन बी ये सीक्वेंस हमेशा होगा तो ये याद कर लेना टेन ए टेन बी वन टेन ए इंटू टेन बी। ऊपर देखो टेन ए टेन बी है नीचे वन के साथ फिर बाद में टेन ए इंटू टेन बी है। अब दोस्तों अगर यहां प्लस है अगर सपोज यहां प्लस है तो यहां पे आपको प्लस लेना है और जस्ट इसी का अपोजिट साइन यहां पे होगा याद हो गया फॉर्मूला। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों इसी का सेम माइनस वाला फॉर्मूला टेन ए माइनस बी इक्वल टू यहां पे क्या आएगा दोस्तों टेन ए यहां पे क्या आएगा दोस्तों टेन बी यहां पे क्या आएगा दोस्तों वन और यहां पे क्या आएगा दोस्तों टेन ए इंटू यहां पे क्या टेन बी। अगर यहां माइनस है तो ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। तो इस तरह से डिफिकल्ट फॉर्मूलेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हो याद। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को रोक दो पहले पूरे फॉर्मूलेस को याद कर लो देन इसके बाद अगर आप वीडियोस को चालू करते हो तो बहुत मजा आएगा और वन बाय वन आप चीजों को सॉल्व करोगे। अब दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कहीं पे भी अगर सपोज ऐसा आया 75 डिग्री दिखा तो वहां पे दोस्तों आप 45 प्लस 30 लेना क्योंकि 75 डिग्री दोस्तों स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़े थे तो हम स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने क्या पढ़ा था 45 पढ़ा था 30 पढ़ा था 60 पढ़ा था 90 पढ़ा था 75 नहीं पढ़ा था। तो इसलिए अगर कहीं 75 रहा तो आपको ये लिखना है कहीं पे दोस्तों अगर आपको 105 दिखाई दिया तो समझ जाना कि वहां पे आपको क्या लिखना है दोस्तों 60
प्लस 45 ये वाला वैल्यू लिख सकते हो। और दोस्तों अगर कहीं पे अगर आपको 15 दिखाई दिया तो आपको क्या करना है, 45 में से 30 को माइनस करना है, जो आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसी में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस वाला कैलकुलेशन करना है। अब दोस्तों अगर कहीं पे 225 दिखाई दिया तो आप क्या करोगे, तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो 180 है, 180 वाला वैल्यूज मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको याद करवाया है कि साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है, कॉस 180 क्या होता है, माइनस 1 होता है, और दोस्तों टेन 180 क्या होगा, जीरो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 45। तो प्लीज ये वाला भी आपको पता होना चाहिए जिससे आप कोई भी वैल्यूज, कौन से वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला क्या है दोस्तों, साइन 15 है, क्या है दोस्तों, साइन 15। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइन 15। अब साइन 15 को मैं किस तरह से लिखूंगा, आपको पता है कि 15 को क्या लिखूंगा, 45 माइनस 30। तो यहां पे लिखूंगा दोस्तों साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखो 45 में 30 माइनस करूंगा तो ही 15 ही आएगा। अब यहां पे आएगा दोस्तों मेरा फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा दोस्तों, साइन ए, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो क्या आएगा दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया होगा दोस्तों, याद कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब यही वाला फॉर्मूला दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखो यहां पे अप्लाई, साइन ए हमारा क्या है दोस्तों, 45 इंटू कॉस 30, माइनस का माइनस साइन में हम सेम लिखते हैं, देन यहां पे दोस्तों क्या आएगा, कॉस 45, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा, साइन 30। अब आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बोला था कि इसके पहले वाले लेक्चर्स के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करवाए हैं, तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी वैल्यूज है उसे आप याद कर लो फटाफट, और यहां पे आप वैल्यूज लिखो। अब देखो साइन 45 का वैल्यू तो सभी को पता है कि 1/√2 होता है, और दोस्तों यहाँ पे कॉस 30 जो हमारा साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, तो साइन 60 हमारा क्या होता है दोस्तों, √3/2। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस 45 1/√2, और दोस्तों यहाँ पे साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/2। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो नीचे का टर्म सेम है तो 2√2 लिखूंगा, और ऊपर √3 बन जाए √3, 1/√2। अब अगर आप अच्छे से देखोगे दोस्तों तो देखो नीचे का टर्म क्या है दोस्तों, सेम है, तो उसे मैं क्या करूंगा, 1 time लिखूंगा, और दोस्तों इसके बाद जो मेरा ऊपर वाला टर्म है उसे मैं क्या करूंगा, माइनस। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, रिक्वायर्ड आंसर है। अब जैसे यहाँ पे कॉस 75, कॉस 75 के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, कॉस 75 के लिए क्या करोगे बताओ मुझे, आप क्या लिखोगे, कॉस मैंने दे दिया आपको 75 के लिए 45 प्लस 30, और उसको आप कॉस वाले फॉर्मूले से एक्सपांड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आपको ट्राई करना है दोस्तों, और इसके बाद वाला मैं करा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखो 10 105 है, क्या है दोस्तों, 10 105। अब यहां पे 10 है, यहां पे क्या है दोस्तों, 105 को मैंने क्या बोला है, क्या बोला है बताओ, 10 105 को आपको 45 प्लस समथिंग कुछ मैंने बोला है, 60 प्लस 45। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 10 60 प्लस 45। अब दोस्तों यहां पे आपको फॉर्मूला पता है, यहां पे फॉर्मूला आप लिखोगे 10 a + b, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10a + 10b। देखो यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, 1 - 10a × 10b। अब यहां पे आपने लिखा, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये लिखने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे 10a 60 10b 45 upon 1 - 10 60 × 10 45। अब दोस्तों 10 60 कितना होता है प्लीज मुझे बता दो, 1060 का जो वैल्यू होता है दोस्तों √3 होता है, जैसे मुझे वैल्यूज याद है वैसे आपको याद हो जाना चाहिए टेबल के वैल्यूज। 1045 कितना होता है दोस्तों, 110 वाले वैल्यूज को मैंने आपको 10th में ही याद करा दिया था। देन 1 - 1060 कितना होगा दोस्तों, √3, और 1045 कितना होगा दोस्तों, 1। अब अगर मैं यहां पे ऊपर का कैलकुलेशन करूं तो √3 + 1, और नीचे का अगर कैलकुलेशन करूं तो 1 √3 - 1 1 - √3। तो आपको इतना ही आपका आंसर रखना है, चाहिए तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहां तक रखोगे
तो भी चलेगा। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कॉट 225। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कॉट 225 तो आज तक हमने कॉट वाला तो फॉर्मूला ही नहीं देखा है, मैंने जानबूझ के आपको कॉट वाला फॉर्मूला नहीं दिया, टेन से काम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है अगर ये कॉट 225 है तो इसे मैं 1/10 225 लिख सकता हूं, क्योंकि कॉट विच इज इक्वल टू 1/10 होता है, और मैं यहां पे अप्लाई करूंगा 10 का फॉर्मूला, तो 1/10, अब नीचे 10 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहां पे मैं कैसे लिखूंगा 10, 225 को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों 180+45। अब यहां पे नीचे फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कैसा फॉर्मूला होगा बताओ, 10 ए ए मैंने लिख दिया प्लस 10 बी, और दोस्तों इसके बाद क्या लिखूंगा 1 - 10 ए इंटू 10 बी। अब दोस्तों यहां पे आपको मैक्स का रूल पता होगा, जो भी टर्म, ये देखो 1/10 के नीचे अगर दो टर्म है तो लास्ट वाला टर्म ऊपर आ जाता है, तो यहां पे ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा 10 180 into 10 45। आप बोलोगे सर ये 1 कहां पे चले गया, दोस्तों ये पूरा का पूरा टर्म अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद अब देखो ये वाला टर्म यहां पे क्या है 10 180 + 10 45। अब दोस्तों ये मैंने लिखने के बाद अब देखो यहां पे आंसर क्या आएगा, 1 - 10 180 आपको पता है कितना होगा 0, देन 10 45 कितना होगा 1, 10 180 0, देन दोस्तों यहां पे 10 45 कितना होगा 1, तो फाइनली 1 - 0 और 0 + 1 1, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों 1। तो इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप बहुत इजी तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कितने हम प्रूफ वाले क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट मुझे एक कॉल आ रहा है कि मुझे अर्जेंटली बाहर जाना पड़ेगा, तो चलेगा फिर भी, यहाँ पे अभी 10:30 के आसपास हो रहा है, मुझे वहां पे 11:30 तक पहुंचना है और यहाँ से बहुत ही दूर है वो डिस्टेंस, तो चलेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है, और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले को आज पूरा का पूरा रट लो। रटने के बाद 2-3 बार 5, मैं तो मेरे ऑफलाइन क्लास में 5 टाइम्स लिखने देता हूं, अगर आप मुझे दिल से फॉलो कर रहे हो तो आप भी 5 टाइम्स लिखना, और 5 टाइम्स लिखने के बाद दोस्तों फिर हम मैं तुरंत आपको कल एक लेक्चर दूंगा जिसके अंदर, क्योंकि प्रूफ में टोटल 14 क्वेश्चन है और मैं अगर आधा प्रूफ वाले क्वेश्चन कर रहा हूं आधा दूसरे वीडियोस में तो मजा नहीं आएगा, तो एक ही बार में पूरा प्रूफ वाले क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।